हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनकल केयर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो है रेलवे भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन। हाँ, इसका वेट हम काफी दिनों से कर रहे थे और फाइनली ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। 62907 वैकेंसीज आपके सामने, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है इंडियन रेलवे की तरफ से। ये काफी बड़ा तोहफा इंडियन रेलवे की तरफ से उन सारे के सारे लोगों को जिन्होंने 10th या 10th प्लस ITI करके रखा है, और दोनों के दोनों प्रोफाइल्स पे काफी अच्छी पोस्ट आई है। और स्पेसिफिकली अगर मैं उन लोगों की बात करूं जिन्होंने ITI ट्रेड डिप्लोमा करते हैं और सिर्फ इसलिए और वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है इंडियन रेलवे की तरफ से। बात करते हैं 6290 वैकेंसीज की, 907 वैकेंसीज की। जैसा कि इंडियन रेलवे ने पहले बता दिया था, लास्ट ईयर अक्टूबर में ये न्यूज आई थी कि इंडियन रेलवे इस बार लगभग 1.5 से 2 लाख वैकेंसीज लेके आने वाला है। और फाइनली अगर देखा जाए तो अभी तक हाल फिलहाल 62907 प्लस अगर 26,000 को इसमें सम कर दिया जाए तो ओवरऑल अगर इंडियन रेलवे की तरफ से देखा जाए तो काफी ज्यादा अमाउंट में वैकेंसीज आ चुकी हैं। और इसके अलावा जो हम एक स्टेशन ASM वाली वैकेंसी आने वाली, अगर ASM वाली वैकेंसी को मिला दिया जाए तो ASM वाली वैकेंसी को मिला के अराउंड 1.5 लाख के आसपास टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ASM की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आएंगी, और ASM की वैकेंसी आना इसलिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज उसमें सारे के सारे ग्रेजुएट लोग अलाउड है। बात करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट की कि रेलवे नोटिफिकेशन जारी हुआ है 62907 वैकेंसीज के लिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें दोनों तरह की जॉब शामिल हैं, जिसमें कुछ जॉब्स 10th वेज जॉब्स हैं और मेनली सारी की सारी जॉब्स 10th प्लस ITI बेस्ड हैं। तो दोनों तरह की जॉब शामिल हैं। अब कौन कौन से प्रोफाइल पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो प्रकाशन नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में आप 10/2/2018 से अप्लाई कर सकते हो, और जो फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है इट इज 12/3/2018 यानी कि 12 मार्च 2018 को रात को 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो पूरा का पूरा टेस्ट होगा, ये संभावित जो टेस्ट होगा CBT राउंड का, ये संभावित टेस्ट कब होगा, अप्रैल मई 2018 के दौरान ये पूरा का पूरा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर वैकेंसी आई है तो ऑब्वियसली इसमें उम्मीद करी जाएगी कि लगभग 30 से 40 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर इतने बड़े अमाउंट में फॉर्म भरे जाएंगे तो पूरा का पूरा पेपर काफी लंबे टाइम तक चलता है, और ये वैकेंसीज काफी बड़ी वैकेंसीज होती हैं तो इसमें जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। बात करते हैं कौन से जोन में कितने जगह पे कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, तो सारे के सारे अगर रेलवे जोन की बात करी जाए तो अहमदाबाद में ओवरऑल 6,087 वैकेंसीज प्लस उसके अलावा हैंडीकैप कैटेगरी के लिए अलग से वैकेंसीज हैं। अजमेर कैटेगरी के लिए अगर हम MP की बात करी जाए तो MP में भोपाल जो रीजन है, भोपाल रीजन में टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं, भोपाल रीजन में 3,522 वैकेंसीज हैं भोपाल रीजन में, जिसमें 1,772 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और प्लस में इसमें जो 702 वैकेंसीज अलग से हैं। तो ये ओवरऑल टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी, और इन सारी की सारी वैकेंसीज का अगर सम किया जाए तो टोटल सम आएगा 62,907 यानी कि 62,907 वैकेंसीज इंडियन रेलवे की तरफ से आपके सामने जारी करी गई हैं। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ। सबसे पहले बात है शारीरिक योग्यता की, अगर बात करी जाए तो सामान्य योग्यता शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। जो दूर दृष्टि है वो 6x9 बिना चश्मे पहने फॉगिंग टेस्ट इसमें नहीं एप्लीकेबल रहेगा, नज़दीकी टेस्ट जरूर एप्लीकेबल रहेगा। और इस तरीके से शरीर पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे फिजिकल क्वालिफिकेशन हैं जो आपको पूर्ण करना जरूरी है। और अगर आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको 720 पिक्सल पर भी देख सकते हो, अपने लैपटॉप की स्क्रीन में सेटिंग्स में जाके आप उसको 720 पिक्सल पर सेट कर सकते हो। इसके अलावा राष्ट्रीयता की बात करी जाए तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आप नेपाल के नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं, और तिब्बत में जो शरणार्थी रह रहे हैं 1 जनवरी 1962 से पहले से वो लोग भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका इंसारी में निवास कर रहा है वह भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्टिफिकेट दिया है तो वो भी इस एग्जाम के लिए बैठ सकता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए आगे चल के बात करी जाए तो आयु सीमा जो जनरली आयु सीमा है ये 18 से 31 वर्ष इज द नॉर्मल एज, लेकिन 18 से 31 वर्ष के बाद भी कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं। वो कैटेगरी कोटा के हिसाब से अलग अलग जातियों को अलग अलग एक्सटेंशन दिए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को 5 साल का एक्सटेंशन,
ओबीसी कैटेगरी के जो नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का एक्सटेंशन, जो भूतपूर्व सैनिक है जिन्होंने 6 साल तक देशी सेवा की है उनको रिजर्वेशन दिया गया लगभग 3 वर्ष का, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको 10 और 13 साल तक का एक्सटेंशन दिया गया है, और ऐसे उम्मीदवार जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का एक्सटेंशन, और जो रेलवे कर्मचारी है समूह गा के और घाम के में कार्य करते हैं उनको न्यूनतम 3 साल और 3 साल की सेवा कर चुके हैं उसके हिसाब से उनको 40, 43 और 45 वर्ष की आयु उनके लिए फिक्स कर दी है। जो विधवा तलाकशुदा या पति के न्यायिक रूप से अलग रहने वाली महिलाएं हैं लेकिन दोबारा उन्होंने अपनी शादी नहीं करी है तो उनके लिए जो मैक्सिमम आयु है इट इज 35, 38 और 40 वर्ष, और उम्मीदवार जिसने 25 वर्ष की आयु से पहले अप्रेंटिस अधिनियम के तहत एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स शुरू किया है उसके लिए जो मैक्सिमम आयु है ये है 35 वर्ष और 38 वर्ष और 40 वर्ष। इसके अलावा बात करी जाए तो इसमें रेलवे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि जो आपकी मिनिमम एज कौन सी तारीख से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, कौन सी तारीख के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो मिनिमम एज है इट इज 2/7/1987 फॉर द जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2/7/1984 और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 2/7/1982, और इसमें पूरे की पूरी छूट आपकी इंक्लूडेड रहेंगी। इसके अलावा बात करिए शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा जो परीक्षा का शुल्क रहेगा वो क्या परीक्षा का शुल्क 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से 250 रुपये, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा और जो 500 रुपये रहेगा वो जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क रहेगा। और एक और चीज़ कि जो ITI जहाँ पर ट्रेड डिप्लोमा मांगा है अप्रेंटिस डिप्लोमा मांगा है वहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री स्वीकृत नहीं करी जाएगी, तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट या ITI का ट्रेड डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो आप बात करते हैं वैकेंसीज उनके लिए क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए, तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं हेल्पर इलेक्ट्रिकल हेल्पर एसी हेल्पर इलेक्ट्रिकल सामान्य सेवा हेल्पर ब्रिज हेल्पर सिविल हेल्पर सिविल वर्कशॉप हेल्पर ट्रैक मशीन हेल्पर वर्कर्स, तो इन सभी के लिए क्या चाहिए 10+ ITI 10+ NCVT द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रमाण पत्र या NAC और 10+ NCVT और SCVT द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं से ITI का डिप्लोमा अगर आपने किया तो आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा बाकी सारी की सारी जो 14 से लेकर 23 तक जो आपको पोस्ट दिख रही हैं यानी कि इंजीनियरिंग की पोस्ट है हेल्पर मैकेनिकल हेल्पर डीजल इलेक्ट्रिकल हेल्पर मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल हेल्पर एसएनटी वर्कशॉप हेल्पर सिग्नल हेल्पर टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन, इन सारी की सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 10+ ITI का डिप्लोमा कंप्लीट करके रखा है, ट्रेड डिप्लोमा आपने करके रखा है। लेकिन इसके अलावा कुछ 10th-based job भी आई हैं, तो 10th-based job कौन कौन सी, हेल्पर मेडिकल, हेल्पर हॉस्पिटल अटेंडेंट, सहायक पॉइंट्समैन, गेटमैन, और इसके अलावा जो पोर्टर वाली पोस्ट होती है, इन सारी की सारी चीज़ों के लिए जो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट इज 10th class, यानी कि अगर आपने 10वीं class उत्तीर्ण करके रखी तो आप इन सारी की सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और या फिर आपके पास सिर्फ NCVT का डिप्लोमा है आपने 10वीं class नहीं करी है तो भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, और NCVT द्वारा राष्ट्रीय अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र है तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये पूरे के पूरे पोस्ट अलग अलग जोन में टोटल 62907 पोस्ट आई हैं। अगर भोपाल रीजन की बात करी जाए तो भोपाल रीजन में इतनी सारी पोस्ट हैं आपके पास, और टोटल अगर जनरल अगर टोटल पोस्ट की बात करी जाए तो टोटल 3522 पोस्ट आई हैं भोपाल रीजन में। पश्चिम मध्य रेलवे में आता है भोपाल रीजन और ये भोपाल में 3522 पोस्ट हैं। इसके अलावा इसके लिए पेपर किस टाइप से होगा, कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा की जो कुल अवधि होगी ये 90 मिनट की कुल अवधि का एक पेपर होगा, 90 मिनट की अवधि में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, विभिन्न अंकों के न्यूनतम पात्रता मतलब न्यूनतम प्रतिशत आपको कितना प्राप्त करना है, अनारक्षित के लिए 40%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30%, अनुसूचित जाति के लिए 30%, अनुसूचित जनजाति के लिए 30%, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध ना होने की स्थिति में दिव्यांग उम्मीदवारों की पात्रता के लिए 2% की छूट प्रदान करी जाएगी। अब जो पूरे का पूरे प्रश्न पत्र का तरीका है वो क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे गणित पूछा जाएगा, गणित कौन सा, सामान्य गणित पूछा जाएगा जिसमें बोर्ड मार, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक, LCM, SCF, अनुपात, समानुपात, ये सारी की सारी चीजें, इसके अलावा सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद आता है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में 10वीं स्तर का आपका पूरा सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा
जो सामाजिक जागरूकता होती है, सामाजिक जागरूकता से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ओवरऑल कितने सब्जेक्ट हो गए? सबसे पहली बात है कि गणित, गणित के अलावा रीजनिंग के अलावा जनरल साइंस, और जनरल साइंस के अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा? जनरल अवेयरनेस या फिर जीके। एक बार आपने इस चीज को मतलब आप इस पूरे के पूरे राउंड को आपने क्लियर कर लिया, तो इसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। शारीरिक परीक्षण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आरआरबीओं से अधिसूचित पदों के लिए समुदायवार कुल रिक्तियों का 2 गुना बुलाया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी 62,000 पद आए हैं, तो टोटल कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? 1,62,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,24,000 लोगों का सिलेक्शन होगा इस पूरे के पूरे फर्स्ट राउंड के बाद। उनको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा और उसमें आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट क्या होगा और महिला उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट क्या होगा? पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये टेस्ट होगा कि उनको 35 किलो का वजन उठा के 2 मिनट में, 35 किलो के वजन को उठाकर 2 मिनट में एक अवसर में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाना है, और 1000 मीटर की दूर तथा 1000 मीटर की दूरी पर 4 मिनट 15 सेकंड को एक ही अवसर में दौड़ना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए क्या टेस्ट होगा? 20 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट तक एक अवसर में बिना गिराए 100 मीटर तक ले जाना, और 1000 मीटर तक 5 मिनट 40 सेकंड में एक ही अवसर में दौड़ना है। और इसमें जो हमारे दिव्यांग कैटेगरी के भाई बहन है उन सबको थोड़ी बहुत उसमें छूट दी जाएगी, और इनको फिजिकल टेस्ट में अपियर नहीं होना है। इसके बाद एक बार आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो आप वहां से जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो। तो इन सारी की सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पोस्ट की तैयारी करना चाहते हो तो आप पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हो, हमारी किसी भी ब्रांच में जाके आप इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। और इन सारी की सारी तैयारियों के लिए आपको इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9039055453 और 9777167166। तो अगर आपको आपके शहर में अगर आपको ज्वाइन करना है रेलवे के आप बैचेस, तो आप पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट को जाके विजिट कर सकते हो और वहां पे जाके आप इस कोचिंग को कंटिन्यू कर सकते हो और आप इस पूरे के पूरे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में। लेकिन एक और चीज कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए आप व्यापम वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप प्रीवियस वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और हर एग्जाम से रिलेटेड ऑलमोस्ट काफी ज्यादा वीडियोस पड़े हैं। तो अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोस को तो देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में।